थक जाओ तो फिर बैठ भी सकते हो। ये पार्क का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, वो भी सुंदर है। ये फॉरेस्ट पार्क है यहाँ का। पहले तो ये एक टुकड़ा फॉरेस्ट ही था, पर इसको अब एक पार्क का नज़ारा लगाया गया है, पार्क बनाया गया है। बहुत ही सुंदर, देखिए छोटी सी टीला है, वहाँ पर बच्चे बस खेलते रहते हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज करने के भी सामान है। थोड़ा अंदर है, मैं उतने अंदर नहीं जाऊँगी। और यहाँ बैठने के लिए बहुत सुकून भरी सब बेंचेस है, आराम से बैठ सकते हो। और ये पार्क मुझे बहुत पसंद है, इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, पर चलने में मज़ा आता है। पर एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये शायद टाटा स्टील से बनाया गया है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो आप। बहुत लोग यहाँ पर आके फोटो निकालते हैं, पर बस यही सब है नज़ारा, पार्क का नज़ारा है और क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो पार्क आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ एक टुकड़ा फॉरेस्ट ही था पहले, हाँ, इसीलिए इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और जैसे जैसे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स सब लगे हुए थे, बस उसी को बरकरार रख के ये बस ये सब रास्ते वस्ते बनाए गए हैं। और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो करना ही है, तो मॉडिफिकेशन थोड़ा सा किए और ये इतना सुंदर हरा भरा पार्क सा हो गया है। देखिए इस मौसम में इतने गर्मी चारों तरफ, पर यहाँ आप चलोगे तो कितना अच्छा लगता है ना। बच्चे थोड़े से स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, दौड़ भाग भी लेते हैं, हम भी कभी कभी मौके मिलने से थोड़े दौड़ लेते हैं। बस बहुत सुंदर है। इस पार्क के अंदर कहीं कहीं ऐसे शेड्स बनाए गए हैं, ये ज़्यादातर बारिश के समय में अब चलते चलते भीग ना जाओ इसीलिए सब बनाया गया है। इस शेड के अंदर आप थोड़े देर रुक सकते हो। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल लगता है ना, लेकिन ये पार्क है, इसी को इसलिए फॉरेस्ट पार्क नाम दिया गया है। इसको हम लोग फॉरेस्ट पार्क, ये एरिया ही फॉरेस्ट पार्क है। और बहुत ही चलने में सुकून लगता है। और ये है जाम की प्लांट, देखिए ये अभी जैसे जैसे बारिश होने लगेगा ना, तो यहाँ पर इतना सारा जाम होगा कि एकदम नीचे बिखरे पड़े रहेंगे। बस हम लोग तो नीचे से उठा के धो के खा लेते हैं, अभी तो हुआ नहीं, अभी सिर्फ फूल है, अभी सिर्फ फूल ही आया है, लेकिन बाद में आएगा ये बारिश के मौसम में। यहाँ पूरा ये बहुत सारे यहाँ पर जाम की प्लांट है और सारे जाम से भर जाएंगे। हम लोग तो जाम बोलते हैं, काला जाम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो उसको, मुझे पता नहीं है इसका नाम। हम लोग तो जाम ही बोलते हैं, जो हाथ में रंग छूट के लगता है ना, पर्पल कलर का, हाँ वही है जाम। यहाँ पर बहुत साफ़ सुथर टॉयलेट्स का भी इंतज़ाम है, तो जो वर्कर्स है जो घूमने आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत साफ़ सुथर है। दिन में कई बार साफ़ किया जाता है और बहुत साफ़ सुथर है। पूरा पार्क एरिया ही पूरा एकदम 100% क्लीन एंड सैनिटाइज्ड होता है। देखिए कुछ ऐसे मार्कर्स भी लगाया गया है ताकि जो चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं उनको पता चले कि वो कितने दूर किए, तो ऐसा मार्कर्स भी लगा हुआ है यहाँ पर पार्क के अंदर। पार्क के अंदर ये दूसरी टॉयलेट है, ये लेडीज़ के लिए है और बहुत साफ़ सुथर है, डेली मेंटेन होता है, खूब सुंदर और साफ़ सुथर है, पूरा का पूरा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। पहले मैंने जो देखा वो जेंट्स का टॉयलेट था और ये लेडीज़ का है, दोनों सेपरेट है। पर एक्सरसाइज करने के लिए सारे इंतज़ाम है, हम लोग कभी कभी आके मॉर्निंग के समय आते हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, हल्की फुल्की जितने दूर हुआ हो सकता है। और बाकी पूछो तो मुझे चलने में जितना मज़ा आता है उसमें उतना किसी में नहीं आता है, तो बस मैं तो चली।
नजारा देखती हूँ तो मुझे वो गीत याद आ जाती है, बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है। देखिए ना कितना सुंदर, नीचे पूरा बिछा हुआ है। ये जो फॉरेस्ट पार्क है, हम सभी का तो जान है, जान से भी प्यारा है। एक बार यहाँ पर उड़ीसा में बहुत ज़ोर से तूफान हुआ था तो ये सारे प्लांट्स गिर गए थे, मतलब सारे के सारे, बस एक भी नहीं बचा था तूफान में। तो जब मौसम ठीक हुआ तूफान का माँ, तो हम लोग एक मीटिंग बुलाए और उसमें हर वॉकर जो भी यहाँ पर एक कदम भी चला, हम लोग प्रॉमिस लिए कि हम एक प्लांट लगाएंगे। तो हम सभी ने गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को प्लांट्स दिया गया था और कुछ क्लब के तरफ से भी बहुत सारे प्लांट्स दिए गए थे, और फिर हम कुछ खुद भी खरीदे, खरीद के जिसको जहाँ जी चाहे बस वैसे ही लगा दिए हम लोग। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कहीं भी आप लगा सकते हो। बाद में वो सबको सेटल किया गया है, और पता नहीं मैं भी दो चार लगाई थी पर मुझे अब तो याद नहीं है। एरिया याद है पर कौन सी प्लांट में लगाई थी ये मुझे याद नहीं है। पर हम हर वॉकर, जितने भी वॉक करते थे यहाँ पर रेगुलर वॉकर, हम सब कोई एक एक प्लांट यहाँ पर लगाए और इसको फिर से इसका जो खोई हुई खूबसूरती हम लोग वापस कर दिए। और अब देखो ये कितने प्यारे भरे हथेलियों को फैला फैला के हम लोग को छांव दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, खुशी दे रहा है। इसका तो कोई ठिकाना नहीं, इस आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पर ना बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर की मूर्ति भी लगाए गए हैं, जो कि यहाँ का जो आर्ट कॉलेज है वहाँ के बच्चों लोग ने से बनाए हैं। आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे हैं। ये कोणार्क से इसका आइडिया लिया गया है और आर्ट कॉलेज के बच्चों ने इन्हें बनाया है। भुवनेश्वर में बहुत बड़ा आर्ट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने इसको बनाया है। इतनी सुकून भरी बनाई गई है देखिए फ्रेंड, कि अब कहीं भी बस चलते चलते थक गए तो खुद के साथ बैठ जाओ, किसी और की क्या ज़रूरत है, बस खुद के साथ खुद बैठा रहो। नहीं ना, आराम से पैर फैला के यहाँ पर बैठ सकते हैं आप। बाकी चारों तरफ का तो नज़ारा है ही है, और बहुत सारे बेंचेस है कि अब थक जाओगे तो बैठ पाओगे। देखिए कितने सारे बेंचेस है, ग्रुप्स है, देखिए हर 100-200 मीटर के बाद ऐसे बेंचेस बनाया गया है। हो गया, अब मैं जरा पैर पसार के बैठ जाऊंगी। बहुत ही सुंदर बैठने का जगह है ये। हाँ देखिए ना, मैं तो अब यहाँ थोड़ी देर के लिए बस पैर को पसार के बैठ जाऊंगी आराम से, और यहीं पर थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लूँगी। हाँ तो एक से भले दो मेडिटेशन भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव माई सिटी, आई लव भुवनेश्वर। थैंक यू, मेरे मेडिटेशन हो गया, अब मैं घर जाऊंगी और फिर मेरे प्लांट्स को पानी डालना है, थोड़ा सा दवाई भी डालना है। इतना ज़रूरी नहीं है पानी डालना क्योंकि कल बारिश हुई थी, आज मॉर्निंग में भी थोड़ा सा छींटा पड़ा तो चलेगा, आज पानी ना भी दूँ तो चलेगा। बस छत रूफ में जाके एक राउंड देख लूँगी सब कोई ठीक है कि नहीं, बच्चे मेरे ऐसे। थैंक यू, आई लव नेचर, आई लव माई सिटी, आई लव माई लाइफ। थैंक यू, हैप्पी लिविंग। इस मूरत को देखिए कितनी सुंदर है ना। ये पार्क की एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस है, अच्छा तो चार एंट्रेंस है, एक में ये लगाई गई है। ब्यूटिफुल इज नॉट इट, दिस इज ब्यूटिफुल। और एक दिखाऊंगी, ये देखिए
ये सुजाता खड़ी है खीर की कटोरी लेके बुद्ध कर लिए। सुंदर है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कलाकृति का देश, कलाकृति संगीत, तो कहीं भी देखो आप कुछ ना कुछ आपको दिखेगा ही।